Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. लास्ट दो क्लासेस में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था तो आज पहले हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स हैं, उसके बाद नया टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे सो so, ये क्वेश्चन जस्ट 2016 का है ये प्रीवियस बुकलेट में होगा क्वेश्चन में बोला गया है

सारे जो टेक्निकल टर्म यूज किए गए हैं तो यू कैन से जो लेजर का आउटपुट रेडिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे वेरी कर रहा है ठीक है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या मिलेगा इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब जो लेजर का आउटपुट है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है ये आपको यहां से पता चलेगा ओमेगा नॉट और क्यू सम कांस्टेंट ओके तो इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द आउटपुट मतलब जो आउटपुट है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मतलब ये जो इंटेंसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा क्या आएगा ये पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा और यहाँ पे आउटपुट का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पूछा गया है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मतलब इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे इंटेंसिटी इन द टाइम डोमेन पता चलेगा और हमें क्या पता करना है इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्शन करना है ना हमने जो डिस्कस किया था जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है फूडियर ट्रांसफॉर्म में हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं ठीक है तो यहां पे मोस्ट कॉमन चीज दिमाग में आएगा जो इंटेंसिटी हमें टाइम डोमेन में पता चलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटेंसिटी टाइम डोमेन में पता चलेगा तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन पता चल जाएगा ये दिमाग में आएगा लेकिन ध्यान रखिए इंटेंसिटी का हम डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं कॉमन चीज दिमाग में आएगा ये इंटेंसिटी टाइम डोमेन में गिवन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल जाएगा वही क्वेश्चन में पूछा गया है बट इंटेंसिटी का डायरेक्ट हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं करते हैं इसका रीजन यह है फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में जिन फंक्शन के साथ हम डील करते हैं वो रियल फंक्शन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है बट इंटेंसिटी ऑलवेज एक रियल फंक्शन होता है कभी भी आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं किसी भी सिस्टम में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलवेज एक रियल फंक्शन होता है इंटेंसिटी में कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं आता इट इज ए रियल फंक्शन लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म में रियल फंक्शन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है बट इंटेंसिटी ऑलवेज एक रियल फंक्शन है इसीलिए हम कभी भी इंटेंसिटी का डायरेक्ट फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं करते हैं ऐसा हो सकता है जब फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो एंड वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए लेकिन इंटेंसिटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो ही नहीं सकता ठीक है क्लियर तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम किसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है उसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इन टाइम डोमेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम डोमेन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है और इंटेंसिटी एंड और ये क्यों पॉसिबल है जैसे मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो आ सकता है या आप में पढ़ते भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म का भी हो सकता है तो इंटेंसिटी टाइम डोमेन में है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डोमेन में है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा और इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है इंटेंसिटी इन टाइम डोमेन इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर सिमिलरली इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉड्यूलस स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इंटेंसिटी मिल जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे और वहां से हमें इंटेंसिटी के बारे में आइडिया मिलेगा और क्वेश्चन में इंटेंसिटी के बारे में ही पूछा गया है ओके राइट आई ओमेगा क्लियर इसको आप थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर हम क्वांटम मैकेनिक से रिलेट करना चाहें बिकॉज ये सारी चीजें फूडिया ट्रांसफॉर्म क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है ओके क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वही क्लासिकल थ्योरी में क्या बनता है ये किससे रिलेटेड है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वांटम थ्योरी में जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी में उसको हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर सकते हैं ठीक है अब बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है रियल फंक्शन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है रियल फंक्शन इसलिए करते हैं क्वांटम में कभी भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फुडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है एक रियल फंक्शन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है एक रियल फंक्शन तो इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं किया जाता है इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मोड स्क्वायर और जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे रिलेटेड है इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साइज स्क्वायर के साथ रिलेटेड है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन

इंटेंसिटी का फुड़िया ट्रांसफॉर्म नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फुड़िया ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन के तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं क्वांटम में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासिकल में वही इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही रियल फंक्शन हैं

उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है और सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज होगा यहाँ पे भी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फूरियर okay? तो छोड़ भी देते हैं क्लासिकल थ्योरी में भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये लेजर का जो आउटपुट है हर जगह पे यूज है तो पहले क्या करेंगे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इंटेंसिटी इन टाइम डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो डी आई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट बाय क्यू आई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व कीजिए चेक यू विट दिस जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको लॉग एजूम किया गया है तो so, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी इन द टाइम डोमेन ये आ जाएगा इंटेंसिटी इन द टाइम डोमेन ठीक है देख सकते हैं आप रियल फंक्शन आएगा अब इसका डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ले नहीं सकते पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टाइम डोमेन इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इज सम बेसिकली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप करते हैं सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा तो सारे कांस्टेंट को मैं बी के फॉर्म में लिख रहा हूं बी सम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में इंटेंसिटी के अलावा भी कुछ कांस्टेंट आते हैं उनको बी के अंदर एडजस्ट कर लिया गया है तो बी इस एक्सपोनशियल टर्म का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा ई टू दावर माइनस ओमेगा नॉट बाई टू क्यू टू टी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए तो ओमेगा नॉट बाई टू क्यू चलाएगा ओके तो नाउ इसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन पता चलेगा यह कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं यहां पे ध्यान रखिएगा टाइम का जो इंटरवल है वो क्या होगा जीरो टू इंफिनिटी टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम होगा और ये डिक्रीज करता रहेगा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है ना तो नॉर्मली हम यहाँ पे टी क्या मान के चलेंगे टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम इंटेंसिटी था जैसे आप यहां पे देख सकते हैं इससे आप आइडिया लगाइए ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है तो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है डिकेइंग फंक्शन डिकेइंग फंक्शन है जीरो टू इंफिनिटी ऐसा होता ही है लेजर आउटपुट है उसमें जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब है टी इक्वल टू जीरो पे और टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो आउटपुट है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है ठीक है तो यहां पे टी का लिमिट क्या है जीरो टू इंफिनिटी तो जब फूरियर ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा लिमिट होगा जीरो टू इंफिनिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी उसके बाद डिक्रीज करेगा तो अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं सम कॉन्स्टेंट सपोज सी ठीक है बी रखते हैं अभी कोई भी आप डेफिनेशन यूज कीजिए बी इन वन अपॉन मैं यहां पर फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं ठीक है प्लस आयोटा ओमेगा मैं फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं उड़िया ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन वन यूज किया गया अब कोई भी डेफिनेशन यूज करो जो फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म होगा मतलब क्या फंक्शन है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा अब कोई भी डिफरेंस डिफरेंस का आ सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह है अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता चल गया तो वहां से हम क्या कर सकते हैं इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन पता कर सकते हैं मॉड्यूलस का स्क्वायर ही तो लेना है तो इंटेंसिटी क्या है इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलर स्क्वायर तो इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा इसका जो स्क्वायर कर दीजिए सम कांस्टेंट सी और का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय फोर क्यू स्क्वायर ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना इसका कैलकुलेट करना है पता है आपको ये कॉम्प्लेक्स है इसका कैलकुलेट कीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए यह आ जाएगा और ये किस टाइप का फंक्शन है ओमेगा वेरिएबल है दिस इज नथिंग बट ए लोरेंजियन फंक्शन हमने लास्ट दो क्लासेस में एक दो एग्जांपल डिस्कस किए थे जहां पे लोरेंजियन फंक्शन आया था तो आप देख सकते हैं ये लोरेंजियन फंक्शन जैसा ही है जो नेचर है इट्स लुक्स लाइक लोरेंजियन फंक्शन ओके तो सी ऑप्शन आएगा कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क अगर हम इंटेंसिटी का डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते तो इंटेंसिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाता जो कॉन्सेप्चुअली गलत है आप ये सोच रहे होंगे जो पहले डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिर मॉड्यूल्स ले लेंगे लेकिन बात यह है इंटेंसिटी तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ ही नहीं सकता अगर आपने इंटेंसिटी का जो ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है इसने क्वेश्चन किया है ये इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसका अगर आप डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो इंटेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएगा जो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है ठीक है आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर देखने में उसी टाइप का लगेगा बट वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है इंटेंसिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं आ सकता इसलिए हम डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होता लेकिन इस केस में अगर आप इंटेंसिटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही आएगा ऑलवेज कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होता रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है लेकिन यहां पे अगर आप इंटेंसिटी का डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा यू कैन चेक अगर हम इसका सपोज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेंसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं ठीक है ये एक्सप्रेशन लेके अगर आप कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा सम कांस्टेंट ए इंटू वन अपॉन ओमेगा नॉट बाय टू क्यू प्लस आयोटा ओमेगा विच इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इंटेंसिटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऐसा नहीं है जि फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिक्स करना है और उसे जो भी आंसर आएगा फिजिक्स के साथ रिलेट करना भी जरूरी है इंटेंसिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं आ सकता है और अगर आप इसका मॉड्यूल भी लेते हैं ना तो एग्जैक्ट लोडेंजियम नहीं आएगा अगर आप सिर्फ एंसर, मैच, करने के, बहुत एंसर ही मैच करवा देते हैं बट अगर आप एंसर मैच कराने की भी बात करो ये एग्जैक्ट लोडेंजियम नहीं आएगा इसका अगर आप मॉड्यूल भी लेते हैं जो गलत भी है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना गलत है लोग आंसर मैच कराने के लिए कुछ भी कर देते हैं वो अलग बात है लेकिन इसका अगर आप मॉड्यूल भी लेते हैं तो ये आएगा अपॉन अंडर रूटेगा टू नहीं आएगा इंटेंसिटी right? में टू नहीं है मैथमेटिकल फॉर्म ही नहीं है अंडर रूट आ रहा है लोरेंजियन के मैथमेटिकल फॉर्म में अंडर रूट नहीं होता है मेथड जो है गलत है इंटेंसिटी का डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना किसी ने किया है क्या क्वेश्चन है सर हमारे पास इंटेंसिटी और प्रोबेबिलिटी के अलावा और कौन कौन से फंक्शन है जिनका डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते उनका डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता रियल फंक्शन रियल फंक्शन रियल फंक्शन का डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉर्मली हम नहीं करते हैं बिकॉज फूरियर ट्रांसफॉर्म में कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है जो ऑलवेज रियल फंक्शन होंगे उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं करते हैं। हाँ बताइए और किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप देखते बोल देते कि मेजर का है मतलब मतलब बेस बोल देते आपकी मेजर के लिए रिपीट इस क्वेश्चन क्लियर नहीं वॉइस बताइए uh, का? लेजर, लेजर का हाँ. तो जो रेजोनेंट कैविटी के बारे में बोला गया है ना वो जब लेजर थ्योरी पड़ेगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा लेजर थ्योरी में भी ऑप्टिकल कैविटी की बात करते हैं और ऑप्टिकल कैविटी में जो डिफरेंट मोड्स होते हैं वही लेजर का आउटपुट लाइट होता है

रेजोनेंट केवीटी और सिंगल मोड दे रखा तो इसका मतलब हां वो डिफरेंट डिफरेंट हो भी सकता है हां तो उसमें फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम ही निकालते हैं वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो वो लोरेंजियन ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोरेंजियन ही है लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये डिफरेंट हो सकता है ठीक <coughs> है डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है अगर हम स्टैंडर्ड लेजर आउटपुट की बात करें तो वो लोड शेप का ही होता है ठीक है लेकिन अगर आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर अलग है तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बदल सकता है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बदल जाए जी ऑप्टिकल कैविटी का इक्वेशन है ये इक्वेशन ही अगर बदल जाए तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बदल जाएगा तो सर वो लेजर का रहेगा फिर क्या uh. फिर वो लेजर के मतलब उसको लेजर का स्पेक्ट्रम बोलेंगे लेजर सब एक कॉमन एक टर्म तो नहीं है ना लेजर तो हम डिफरेंट टाइप के लेजर्स होते हैं ना <coughs> लेजर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लेजर का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो आ, मतलब ऑलवेज लोरेंजियन है ऐसा जरूरी नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोरेंजियन होता है बट डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट करना भी पॉसिबल है ठीक तो है और कोई डाउट है इसमें ठीक है और जब आप लेजर का थ्योरी पढ़ेंगे ना लेजर का थ्योरी अगर आप देखेंगे एक्चुअली थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डेल्टा फंक्शन आना चाहिए था एक्चुअल अगर थ्योरी की बात करें थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डेल्टा फंक्शन आना चाहिए था बिकॉज कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेजर क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है ना लेजर से जो लाइट निकलता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है उसके अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट है जब आप पढ़ते हैं तो मोनोक्रोम सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसमें एक ही डिराक्ट डेल्टा फंक्शन होना चाहिए था तो अगर हम प्योर थ्योरी की बात करें तो ये आउटपुट डिराक्ट डेल्टा फंक्शन होना चाहिए था लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ये डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं होता ये लोरेंजियन शेप का होता है तो लोरेंजियन शेप जो है वो भी एक्सपेरिमेंटली है बिकॉज थियोरिटिकली देखेंगे तो लेजर एक परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसमें डिराक डेल्टा फंक्शन आना चाहिए था बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में होता है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 2018 का क्वेश्चन है क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्सिडर द वेव पैकेट इज डिफाइंड लाइक दिस क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव पैकेट के बारे में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है वेव पैकेट को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा गया है जैसे आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वेव फंक्शन बेसिकली क्या है वेव फंक्शन बेसिकली है सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव्स तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा गया है ये बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा गया है सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स लुक द एक्सप्रेशन उससे आप काफी आसानी से समझ सकते हैं ये प्लेन वेव्स का सुपर पोजिशन कैसे है यहाँ पे जो इटू पावर आयोटा के प्लेन वेव नेचर ठीक है e नाउ e यहाँ पे समेशन का मतलब क्या है समेशन का मतलब सुपर पोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव तो पावर आयोटा के एक्स प्लेन वेव नेचर है और इंटीग्रेशन करने का मतलब है समेशन इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है समेशन तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स और प्लेन वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीन वेव है उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होता है आप लोग पढ़ते हैं जो वेव पैकेट के अंदर प्लेन वेव्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है के के रेस्पेक्ट में है मतलब ये जो प्लेन वेव्स है उनके लिए के का वैल्यू डिफरेंट है अगर के डिफरेंट है तो लैमडा भी डिफरेंट होगा के इक्वल टू क्या होता है पाई तो K अगर डिफरेंट है तो लैमडा भी डिफरेंट होगा और अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या है टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन लिखने का मतलब है सुपरपोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है K के के रेस्पेक्ट में है मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन वेव है उनके लिए के का वैल्यू डिफरेंट है के डिफरेंट होने का मतलब वेवलेंथ वेवलेंथ डिफरेंट 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 होगा होगा और होने का मतलब फ्रीक्वेंसी तो इट इज अ ऑफ मेनी प्लेन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बिकॉज इंटीग्रेशन के के रेस्पेक्ट में है तो के डिफरेंट होने का मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा एंड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा ट का डेफिनेशन भी आप लोग यही पढ़ते हैं क्वॉंटमिक्स में देखें इसमें जो एफ ऑफ के है एफ ऑफ के बेसिकली क्या है प्लेन वेव का एम्प्लीट्यूड जो एफ ऑफ के है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन वेव वेब पैकेट के अंदर भी जो प्लेन वेव होते हैं उन सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा यह जरूरी नहीं है सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन वेव तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा तो आप नोटिस करो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म गिवेन है जिसको बोला गया वेव पैकेट जो आप क्वांटम में भी पढ़ते हैं यह क्या एफ ऑफ के का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है एफ ऑफ के इज जी ऑफ के जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एफ ऑफ के इज नथिंग बट जी ऑफ के इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साई ऑफ एक्स वापस मिलेगा तो जो वेव पैकेट का डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिकली इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो साई ऑफ एक्स वापस मिलेगा जी ऑफ के का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो साई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वापस मिलता है यही तो है तो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है, और क्या पूछा गया है साई ऑफ एक्स पूछा गया है तो प्लीज कैलकुलेट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करने को बोला गया क्वेश्चन में और फॉर्मूला भी गिवन है तो साइएक्स क्या है साई एक्स इज द इनवर्स फूडियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के एफ ऑफ के मतलब जिसको हम जी ऑफ के बोल रहे थे के स्पेस वेव फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या गिवन है इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ के ए टू पावर आयोटा के एक्स डी के एफ ऑफ के क्वेश्चन में गिवेन है वो रिप्लेस कीजिए एफ ऑफ के का वैल्यू कितना है स्मॉल ए किस रीजन में इन दिस रीजन तो इसका मतलब के का लिमिट क्या होगा माइनस कैपिटल के बाई टू टू प्लस कैपिटल के बाई टू बाकी फंक्शन बाकी रीजन में तो फंक्शन जीरो है टू दी पावर आयोटा के एक्स डी के वेरी सिंपल इंटीग्रेशन तो ए इंटीग्रेशन करेंगे इ टू दी पावर आयोटा के एक्स अपॉन आयोटा के सॉरी आयोटा एक्स के के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था ना और लिमिट है माइनस कैपिटल के बाई टू टू प्लस के बाई टू ना जस्ट लिमिट रिप्लेस कीजिए और लिमिट रिप्लेस करके आप देखेंगे ये आ जाएगा टू ए अपॉन एक्स साइन कैपिटल के एक्स बाई टू जस्ट लिमिट रिप्लेस कीजिए एक्सपोनेंशियल के टर्म में आएगा एक्सपोनेंशियल को आप साइन में चेंज कर सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन में नॉर्मलाइज बोला गया है एक्चुअली इसको नॉर्मलाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हैं ये जो फॉर्मेट है ये ओरिजिनल क्वेश्चन में मिस्टेक था इसके दो ऑप्शन सेम है आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो गिवन है और ऑप्शन डी जो गिवन है ये दोनों सेम है देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन में मिस्टेक था बी और डी में सेम गिवन है एग्जैक्ट सेम गिवन है नॉर्मलेशन कांस्टेंट भी सेम है लेकिन देखिए अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें फॉर्मेट तो यहां पे भी मैच कर रहा है फॉर्मेट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं फॉर्मेट मतलब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है साइन के एक्स बाई टू अपॉन एक्स ये तो ऑप्शन ए में भी है बी में भी है और डी में भी है बी और डी तो सेम ही है, तो है, तो है ये जो फंक्शन का फॉर्मेट है साइन के एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाकी कॉन्स्टेंट है ये फॉर्मेट तीन ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है जिन में से दो ऑप्शन सेम है बी एंड डी तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा किसी ने क्वेश्चन किया है इंटीग्रेशन के बाहर पाई फैक्टर क्यों नहीं लिया गया है क्वेश्चन में क्या डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं मैंने बताया था क्वेश्चन में जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ए बी या डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये समझेंगे कैसे तीनों में तो फॉर्मेट मैच कर रहा है। ट्राई टू यूज क्वांटम मैकेनिक्स आपने क्वांटम मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था साई ऑफ एक्स क्या है साई ऑफ एक्स इज ए पोजिशन स्पेस वेव फंक्शन मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं साई ऑफ एक्स जो है वो पोजिशन स्पेस वेव फंक्शन है और पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है इट एज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ टू दावर माइनस वन बाई टू इन वन डायमेंशन साइ ऑफ एक्स है उसका डायमेंशन होता है लेंथ टू दी पावर माइनस वन बाई टू तो जस्ट हम ये चेक कर सकते हैं किसमें यह डायमेंशन मैच कर रहा है जैसे ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में क्या गिवन है ऑप्शन ए में गिवन है अंडर रूट एट पाई के अपॉन एक्स इंटू साइन के एक्स बाई टू ऑप्शन ए में ये गिवन है अब आप चेक कीजिए यह पार्ट तो डायमेंशन लेस है एक नंबर आ जाएगा साइन ऑफ दिस सम नंबर, इट समाइमेंशन लेस अब इस पार्ट की अगर हम बात करें बताइए के का डायमेंशन क्या होता है ऊपर जो आएगा अंडरवुड एट पाई के का क्या होता है इनवर्स ऑफ लेंथ के मतलब वेव नंबर है ना तो वेव नंबर का क्या होता है इनवर्स ऑफ लेंथ लेंथ इनवर्स और जो एक्स है उसका डायमेंशन लेंथ का होगा तो आप नोटिस करो इसमें क्या आ रहा है अंडर रूट एट पाई ये तो एक कांस्टेंट है और ये आ जाएगा लेंथ टू दावर माइनस थ्री बाई टू तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग साई एक्स का डायमेंशन क्या रहा है लेंथ टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू होना कितना चाहिए था दिस मैच नहीं कर रहा है तो इनकरेक्ट है ऑप्शन बी में चेक कीजिए बी और डी तो सेम ही है बी में गिवन है अंडर के तो ऑप्शन बी अंडर इंटू वन अपॉन एक्स साइन के एक्स बाई टू यहां पर भी जो साइन के एक्स बाई टू है ये तो डायमेंशन लेस है जो साथ में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन चेक करेंगे तो अब बताइए रूट टू बाई पाई ये तो कांस्टेंट है के का डायमेंशन क्या है लेंथ इनवर्स और वन अपॉन एक्स आएगा वन अपॉन एल ठीक है तब चेक करके देखिए इसमें डायमेंशन मैच कर रहा है या आ जाएगा लेंथ टू दी पावर माइनस वन बाई टू तो ऑप्शन बी या डी दोनों सेम ही है इसमें जो डायमेंशन है वो मैच कर रहा है इसके साथ तो बी ऑप्शन करेक्ट है तो क्वांटम में जो आप वेव फंक्शन के डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मतलब ए या बी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं ठीक है कोई डाउट है इसमें यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू नहीं आएगा यहाँ पे लेंथ इनवर्स है और स्क्वायर रूट है यहाँ पर तो स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट तो का मतलब क्या बन जाएगा माइनस वन बाई टू ऊपर है माइनस वन बाई टू नीचे वन है तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस थ्री बाई टू तो आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से चेंज भी होगा ना इसने क्वेश्चन किया है हमने जो कैलकुलेट किया है उसका तो लेंथ इनवर्स आया है हमने जो ये कैलकुलेशन किया इसका तो लेंथ इनवर्स है बिल्कुल सही लेकिन हमने इसको नॉर्मलाइज थोड़ी ना किया है अभी तक नॉर्मलाइज करेंगे तब डायमेंशन सेम आएगा ये तो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है ना अनॉर्मलाइज वेव फंक्शन का डायमेंशन मैच नहीं करेगा उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा तभी डायमेंशन मैच करेगा ये जो वेब फंक्शन आया है ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है इसलिए इसका डायमेंशन मैच नहीं करेगा जो लेंथ टू दी पार माइनस वन बाई टू है इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा तभी डायमेंशन मैच करेगा ये जो साई बताया गया है ये नॉर्मलाइज साई है डायमेंशन मैच नहीं करेगा ध्यान रखिएगा हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो था इसलिए मैच नहीं कर रहा है और ऑप्शन में जो गिवन है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में है ठीक है आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं नॉर्मलेशन कंडीशन यूज कीजिए जो आप लोगों ने पढ़ा है अगर आपको नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मॉड्यूल ऑफ साइज स्क्वायर डी इक्वल टू वन दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसे आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं बट मुझे लगता है ये ज्यादा आसान तरीका है जैसे नॉर्मलाइज करने का जो मैथमेटिक्स है ये इतना ज्यादा आसान मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो बेटर है।, तो है ये डायमेंशन मैच करवा लीजिए जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन ओके okay? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं नेक्स्ट ये गेट का क्वेश्चन है प्रीवियस बुकलेट क्वेश्चन में फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन गिवन है ठीक है तो बोला गया है इस इफ बेसिकली सम काइंड ऑफ ऑपरेटर, तो इसका दो बार अगर आप फुड़िया ट्रांसफॉर्म करते हैं एफ स्क्वायर का मतलब क्या है एफ स्क्वायर का मतलब है इसका दो बार फूरियर ट्रांसफॉर्म किया गया एफ स्क्वायर जैसे एफ का मतलब है एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म तो एफ स्क्वायर का मतलब है दो बार फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली मतलब एफ ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट किया गया है एफ स्क्वायर का मतलब है एफ ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट किया गया है ये इक्वल टू क्या आएगा इसमें आप नोटिस करो एफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ को बेसिकली दो बार ऑपरेट किया गया है तो इसको अगर आप एक बार ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जी ऑफ के एक बार एफ ऑपरेटर अगर ऑपरेट करते हैं किसी ने कोई आंसर दिया है ऑप्शन ए ऑप्शन ए गलत है करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑफ इसमें यही आ, मिस्टेक हो रहा है और मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन लिख देंगे ये दो बार फुरीय ट्रांसफॉर्म है ध्यान रखिएगा सेम फंक्शन कब आता है सेम फंक्शन तब आएगा जब हम एक बार फुरी ट्रांसफॉर्म करेंगे एक बार इनवर्स फुरी ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर हम एक बार फुरीय ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक बार इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तब सेम फंक्शन आता है यहां पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है दोनों बार फूरियर ट्रांसफॉर्म किए गए हैं एफ स्क्वायर का मतलब है टू टाइम्स दो बार फूरियर ट्रांसफॉर्म किया गया है अगर हम एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म करते और एक बार इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते तो एफ एक्स वापस आता ऑप्शन ए करेक्ट होता है यहां पर दोनों बार ही फूरियर ट्रांसफॉर्म किया गया है तो देखिए एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा जी ऑफ के जो हमने पढ़ा है ठीक है अब दूसरी बार जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम यही डेफिनेशन यूज करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है वन अपॉन अंडर रूट टू पाई दिस। और एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यह आएगा यहां पे के वेरिएबल है इसलिए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ठीक है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आएगा लेकिन अब बताइए जो इनवर्स हम लिखेंगे उसमें क्या आएगा अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स वापस आता है लेकिन यहां पे हम जी ऑफ के का ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं अगर इनवर्स करते तो एफ ऑफ एक्स वापस आता और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा डेफिनेशन है एनी हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कौन सा डेफिनेशन है ये बिकॉज इनवर्स भी उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना ये कौन सा डेफिनेशन है जो क्वेश्चन राइट right? थर्ड इट इज नॉट द फर्स्ट वन इट इज द थर्ड वन ठीक है तो यह इनवर्स थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन अंडर रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इफेक्स सॉरी जी ऑफ के ई टू पावर प्लस के एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस आयोटा था तो इनवर्स में क्या आएगा प्लस आयोटा तो जी ऑफ के का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं और जी ऑफ के का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वापस आएगा अब जस्ट आप क्या कीजिए इस इंटीग्रेंट को और इस इंटीग्रेंट को कंपेयर कीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है इस कंपेयर करके बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है ये जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन है इसमें अगर आप एक्स के बदले माइनस एक्स लिखते हैं तभी तो ये आ जाएगा जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेंड है इसमें अगर आप एक्स के बदले क्या लिखते हैं माइनस एक्स तो x के बदले अगर माइनस एक्स लिखते हैं तभी तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा जस्ट एक्स के बदले माइनस एक्स बाकी सेम है तो ये इंटीग्रेशन अगर Fx को रिप्रेजेंट करता है तो ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा F X को. ये जो इंटीग्रेंट है जस्ट कंपेयर कीजिए ये इनवर्स फूडियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेंट आता है ये इंटीग्रेंट और ये इंटीग्रेंट बेसिकली डिफरेंस क्या है यहां पे जो एक्स है यहां पे एक्स के बदले क्या है माइनस एक्स है तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम एफ एक्स बोलते हैं तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स के बदले माइनस एक्स आएगा इसका मतलब FX का दो बार फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा सी ऑप्शन अगर हम एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म एक बार इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते तो एफ एक्स ही वापस आता लेकिन दोनों बार फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स वापस आएगा ये ध्यान रखिएगा क्लियर ना कोई डाउट है तो प्लीज आस्क सी ऑप्शन करेक्ट है इसका एनी डाउट्स किसी ने क्वेश्चन किया है इज वैलिड फॉर एवरी फंक्शन यस यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर फंक्शन लिया नहीं है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसके लिए ट्रू है ये जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्जिस्ट करेगा उसके लिए ट्रू है ये ऐसा इवेन ऑड रियल कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं ये भी गेट का क्वेश्चन है थिंक गेट 2019 uh, 1780 कुछ का क्वेश्चन है गेट का ही क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस बुकलेट में है क्वेश्चन में बोला गया है द कोइफिशियंट ऑफ इ टू दी पावर आयोटा एक्स इन द फूडियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फॉर के इक्वल टू माइनस टू ए बताइए एक फंक्शन गिवन है उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में इ टू दी पावर आयोटा के एक्स इसका क्विफिशेंट पूछा गया है यहां पे जो फंक्शन है वो साइन कोसाइन फंक्शन टर्म का है ये फंक्शन क्या पीरियोडिक नहीं है ए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए और साइन स्क्वायर एक्स होगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू सिंपल टर्मोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज किया आएगा अब बताइए ये क्या पीरियोडिक फंक्शन नहीं है इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन और क्या बताया जाता था पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज हो या फूरियर ट्रांसफॉर्म हो दोनों एग्जिस्ट करता है और दोनों से हमें सेम इंफॉर्मेशन पता चलता है फूरियर पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज भी एग्जिस्ट करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और दोनों से सेम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ठीक है ऑल दो क्वेश्चन में फूडियर ट्रांसफॉर्म्स का पूछा गया है, लेकिन हम ये क्वेश्चन फूडियर सीरीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, बिकॉज दोनों से सेम इंफॉर्मेशन पता चलेगा जैसे फंक्शन क्या है हमारे पास ए बाई टू इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स और किसका कोफिशियन पूछा गया है ई टू दी पावर आयोटा के एक्स और के का वैल्यू कितना है माइनस टू ए तो ई टू दी पावर आयोटा के एक्स और के के बदले माइनस टू ए मतलब हम कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज यूज करते हैं बिकॉज जब हमने फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिलेट किया था तो कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज यूज किया गया था तो वन एक्स को क्या लिख सकते हैं वन बाई टू इक्सू दावर आयोटा टू एक्सू दावर माइनस आयोटा टू ए एक्स सिंस फूडियर सीरीज और फूडियर ट्रांसफॉर्म से सेम रिजल्ट आएगा तो यहां पे हम कॉम्प्लेक्स फूडियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अब देखिए आ जाएगा ए बाई टू तीन अलग अलग टर्म्स आएंगे माइनस ए बाई फोर इ टू पावर आयोटा टू ए एक्स माइनस ए बाई फोर पावर माइनस आईओटा टू ए एक्स और क्वेश्चन में किसका कोईफिशन पूछा गया है के इक्वल टू माइनस टू ए के लिए इस टर्म का कोई पूछा गया है तो देखिए ये टर्म यही है ना इसका कोशन कितना है माइनस ए बाई फोर पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम फूडियर सीरीज से भी सेम इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं माइनस ए बाई फोर ठीक है ना समझ में आया बट ये सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे नॉन पीरियोडिक के लिए नहीं नॉन पीरियोडिक होता तो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करना होता पीरियोडिक है इसलिए फूरियर सीरीज से भी काम चल रहा है ठीक है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं क्लियर एवरी वन किसी ने क्वेश्चन किया है ये तीनों टर्म के इक्विवेलेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूडियर सीरीज और फूडियर ट्रांसफॉर्म से सेम इंफॉर्मेशन पता चलता है अब इसका ट्रांसफॉर्म कीजिए सपोज ये फंक्शन है अगर आप इसका फुड़ियर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं तो क्या क्विफिशियंट में सच कोई चेंज आएगा सपोज आप इसका फूडियर ट्रांसफॉर्म करते हैं एक पाई फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा देखिए अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑफ़ का तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहले पार्ट में डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा ठीक है इनटू एक पाई फैक्टर भी होगा सॉरी बेसिकली होगा टू पाई इंटू डिराक डेल्टा ओमेगा सेकेंड टर्म का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए गए थे सेकेंड टर्म में आएगा टू पाई इंटू डिराक डेल्टा एक्स है तो के के फॉर्म में रखते हैं डिराक डेल्टा के डिराक डेल्टा के माइनस टू ए और थर्ड पार्ट का अगर आप फुड़ियर ट्रांसफॉर्म कैल्कुलेट करते हैं माइनस ए बाई फोर टू पाई डिराक्ट डेल्टा के प्लस टू ए अब बताइए अगर आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट भी किया है तो क्या क्विफिशेंट में जो चेंज हो रहा है वो क्या है सिर्फ सिर्फ सब में के साथ टू पाई जैसे टू पाई कांस्टेंट पर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये माइनस ए बाई फोर ये तो प्रेजेंट है ही अब क्वेश्चन में किसका कोई पूछा गया है देखिए k equal to minus 2a के लिए कोइफिशिएंट पूछा गया है अब बताइए k equal to minus 2a किस फैक्टर से आएगा ये जो थर्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसका पीक कहां पे आता है इसका पीक आता है k equal to minus 2a पे और इसका कोइफिशिएंट कितना है इसका कोइफिशिएंट है दिस वन किसी भी ऑप्शन में ये टू पाई फैक्टर नहीं है तो माइनस ए बाई फोर ही आंसर होगा टू पाई तो सब में कॉमन आ रहा है इसलिए उसको आंसर में नहीं बोला गया बताया गया है ठीक है तो ऐसे भी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म से भी सेम इंफॉर्मेशन ही आएगा ये जो पार्ट है सेकेंड डायरेक्ट डेल्टा इसका पीक कहां पे आएगा ये भी क्वेश्चन बन सकता था इसका पीक आएगा के इक्वल टू प्लस टू ए इसका कोई भी कितना होगा माइनस ए बाई फोर और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका पीक आएगा जीरो पे कोफिशियंट ए बाई टू तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो या कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज कैलकुलेट करो इंफॉर्मेशन हमें सेम ही मिलता है ठीक है

ठीक है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं आई थिंक क्लियर है ये कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ये जो बताया गया इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तभी अनम्यूट कीजिए अदरवाइज म्यूट रखिए तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं ये प्रॉब्लम शीट टेन का क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन है अब प्रॉब्लम शीट टेन में कुछ मैक्स जो ज्यादा क्वेश्चन है उसमें ग्राफ गिवन है और ग्राफ से आपको उसका फुड़ियत ट्रांसफॉर्म बताना है उसका ग्राफिकल नेचर बताना है तो मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है पहले तो उस फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है जो भी फंक्शन का ग्राफ गिवन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो जैसे देखिए ये जो फंक्शन गिवन है ये क्या बोला गया है

नेगेटिव रीजन में क्या है जीरो वन साइडेड है तो उसके पहले जो है वो जीरो है तो दिस इज़ द फंक्शन इस फंक्शन का आपको फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ये टाइम डोमेन में है फूडियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में और क्वेश्चन बेसिकली है इसके फूडियर ट्रांसफॉर्म के मॉडुलस का वेरिएशन और नाइन्थ क्वेश्चन में है इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म के फेस फैक्टर का वेरिएशन तो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो प्लीज कैलकुलेट करके बताइए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है फिर हम देखेंगे डेफिनेशन वन यूज करने को बोला गया है जी ऑफ ओमेगा कितना है चेक करके देखिए इसका फूडियर ट्रांसफॉर्म आएगा डेफिनेशन वन यूज करके वन अपॉन ए प्लस आयोटा हमने आज क्लास के जो फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया था जेस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी टाइप का फंक्शन था जेस्ट में राइट यहां पे ए वन है राइट किसी ने कमेंट किया बिल्कुल सही ए वन ए वन है नहीं ये जरूरी नहीं है ए वन होना यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू वन है ए वन होना जरूरी नहीं है ये तो कुछ भी हो सकता है ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एट टी इक्वल टू जीरो जरूरी नहीं है ए का वैल्यू कुछ भी हो टी इक्वल टू जीरो पे फंक्शन तो वन ही आएगा ए का कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो तो ए का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कुछ भी हो सकता है ओके okay? तो यहां पर इसका अगर हम मॉड्यूलस की बात करें पहले ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ठीक है ये जो फंक्शन गिवन है ये कॉम्प्लेक्स है तो पहले इसको मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिखते हैं इसका मॉडुलस क्या लिख सकते हैं देखिए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मॉड्युलस इन ये डिनोमिनेटर में ही आएगा जो आर्गुमेंट पार्ट है ई टू दी पावर आयोट थीटा होता है थीटा क्या है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो वाई मतलब ओमेगा और एक्स मतलब ए जस्ट हमने क्या किया है ये जो ए प्लस आयोटा ओमेगा है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका मॉड्यूलस आर्गुमेंट कैलकुलेट किया मॉड्यूलस ये आ जाएगा और आर्गुमेंट ये आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका मॉडुलस कैलकुलेट किया मॉडुलस और आर्गुमेंट ठीक है तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो यह आएगा इ टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए इसको हम ये लिख सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको न्यूमरेटर में लेके चले गए तो आप बताइए यहां पे जी ऑफ ओमेगा का मॉड्यूलस क्या है जी ऑफ ओमेगा का मॉड्यूलस है वन अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी ऑफ ओमेगा के क्वेश्चन में ओमेगा बोला गया है इसका मॉड्यूलस तो बताइए कौन सा ग्राफ करेक्ट है Anyone? कौन सा ग्राफ करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता क्यों आप नोटिस करो जो सी ऑप्शन में गिवेन है यह शेप क्या है पैराबोला ऑप्शन में जो गिवन है उसका शेप है पैराबोला का डी ऑप्शन में जो शेप गिवन है वो देखने में साइन जैसा लग रहा है मतलब बेसिकली ऑसिलेटरी है और बी ऑप्शन में जो ग्राफ गिवन है उसमें भी एक ऑसिलेटरी बिहेवियर प्रेजेंट है तो बी और डी ऑप्शन के ग्राफ में ऑसिलेटरी बिहेवियर है और सी ऑप्शन का जो ग्राफ है उसमें पैराबोलिक नेचर है अब बताइए ये जो मॉड्यूलस आया है ये क्या पैराबोलिक है ये पैराबोलिक भी नहीं है ऑसिलेटरी नेचर का भी नहीं है इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है दिस वन जो जी ऑफ ओमेगा का मॉड्यूलस आया है ये पैराबोलिक भी नहीं है और ऑसिलेटरी भी, भी नहीं है ऑप्शन ए में जो ग्राफ है वो लोरेंजियन नहीं है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो जी ऑफ ओमेगा है इसका जो मॉड्यूलस है ये देखने में लोडेंजियन जैसा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा एट इक्वल टू जीरो लोरेंजियन में ये स्क्वायर रूट नहीं रहता जो स्क्वायर रूट है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ओमेगा इक्वल टू जीरो पे एंड एज ओमेगा इंक्रीजेज ये जो मॉड्युलस है ये डिक्रीज करेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप देख सकते हैं एज ओमेगा जो ऑफ ओमेगा है जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो ए ऑप्शन ही मैच करेगा बाकी ऑप्शन तो बट इज इज नॉट ए लोरेंजियन ऑसिलेटरी का मतलब उसके अंदर साइन कोसाइन आना चाहिए अगर फंक्शन ऑसिलेटरी है तो उसके अंदर साइन कोसाइन का कोई डिपेंडेंसी जरूर रहना चाहिए तो बी और डी ऑप्शन में क्या है ऑसिलेटरी लेकिन इसमें क्या कोई साइन कोसाइन आया है नहीं आया इसलिए ये ऑसिलेटरी बिहेवियर तो नहीं हो सकता ठीक है तो मॉड्यूलस का वेरिएशन होगा जो ऑप्शन ए में गिवन है ऐसे अगर हम फेस पार्ट की बात करें फेस पार्ट देखिए क्या है फेज इज दिस इसमें फेस पार्ट कौन सा है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए आयोटा के साथ जो होता है वही थीटा होता है ना तो आयोटा के साथ क्या है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा ए तो का वेरिएशन क्या होगा फेज फैक्टर का फेस फैक्टर मतलब क्या है आर्गुमेंट ये हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है तो फेज इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए तो इस फेस फैक्टर का वेरिएशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है अब इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन तो ए में क्या है स्टेट लाइन ऑप्शन बी में भी क्या है स्टेट लाइन और ये जो आया है ये स्टेट लाइन का इक्वेशन तो है नहीं तो बी भी नहीं हो सकता ए भी नहीं हो सकता ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो नहीं है टेन इनवर्स का ग्राफ स्टेट तो नहीं आता इन्वर्स का ग्राफ कैसा आता है सी और आप बताइएगा प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है एज ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी ये जो टेन इनवर्स ओमेगा ए है और माइनस सॉरी माइनस साइन भी है माइनस टेन ओमेगा बाई ए है इट विल अप्रोच टूवर्ड्स माइनस पाई इंफिनिटी क्या होता है टेन इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई टू और साथ में एक माइनस साइन है तो ओमेगा जब इंफिनिटी बनेगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई टू ठीक है एंड एज उमेगा एप्रोचेस टूअर्ड्स माइनस इंफिनिटी देन द फेस फैक्टर टूअर्ड्स प्लस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा चेक कीजिए तो उमेगा जब माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा तब जो फेस फैक्टर है वो पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करेगा पॉजिटिव एंगल न लुक एट द डायग्राम ऑप्शन जब ओमेगा प्लस इंफिनिटी है तो फेस फैक्टर कितना बन रहा है माइनस पाई बाई टू और जो ओमेगा माइनस इंफिनिटी है तब फैक्टर कितना बन रहा है प्लस पाई बाई टू जो हमने कैलकुलेट किया डी ऑप्शन में तो अपोजिट है ना ओमेगा जब प्लस इंफिनिटी है तो माइनस पाई बाई टू देख सकते हैं यहां पर और ओमेगा जब प्लस इनफिनिटी है तब कितना माइनस इनफिनिटी है तब कितना है प्लस पाई बाई टू तो। ये जो कैलकुलेशन हमने किया वो मैच कर रहा है सी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्लियर ठीक है ना कोई डाउट है तो प्लीज आस्क और प्रॉब्लम शीट में या प्रीवियस बुकलेट में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जो प्रॉब्लम शीट का क्वेश्चन नंबर वन है उसमें जस्ट फंक्शन लिखिए और फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए डीपीपी शीट टेन क्वेश्चन नंबर वन फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है उसका वैल्यू पर्टिकुलर रीजन में वन है वन है कहां से कहां तक माइनस टी टू प्लस टी और इसके बाहर जीरो है ठीक है इस फंक्शन का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे मैं जस्ट हिंट दे देता हूं इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट का आएगा डेफिनेशन वन यूज कीजिए फर्स्ट डेफिनेशन यूज कीजिए फूडियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मेट का आ जाएगा ना ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है ऑसिलेटेड ही और ओमेगा इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है तो ऑसिलेटरी बिहेवियर विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा ऑसिलेटरी विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इस टाइप के फंक्शन को सिंक फंक्शन बोला जाता है ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं सिंक फंक्शन साइन की वजह से ऑसिलिटरी बिहेवियर आएगा और नीचे वन बाई नीचे ओमेगा है ना तो ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा एंड साथ में जो ये टू टी है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आता है एट ओमेगा इक्वल टू जीरो जो साथ में टू टी है जो कॉन्स्टेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आता है ऑप्शन option अगर हम ऑसिलेटरी बिहेवियर की बात करें ऑसिलेटरी बिहेवियर किस ऑप्शन में गिवन है ए या बी अगर हम ऑसिलेटरी बिहेवियर की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन ए और बी मैच कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पार्ट की बात करें इसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ए ऑप्शन हो सकता है या बी ऑप्शन हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें टू टी आना चाहिए यह सिर्फ ऑप्शन ए में मैच कर रहा है तो बी इनकरेक्ट है ठीक है ऑसिलेटरी बिहेवियर है तो ए या बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता और मैक्सिमम वैल्यू कितना है टू टी जो ऑप्शन ए में गिवन है तो ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा ये जो फंक्शन है ना साइन एक्स बाई एक्स इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है इसी को सिंग फंक्शन बोला जाता है साइन एक्स बाई एक्स यहां पे जो फॉर्म आया है वो इसी फॉर्मेट का है ये जो फॉर्म है ये साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म का ही है ठीक है इसका ग्राफ कैसा होता है मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आता है थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा ठीक है नेट डिसंबर प्रीवियस ईयर बुकलेट का जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो डिराक डेल्टा से रिलेटेड है ठीक है तो डिराक डेल्टा पहले हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है या आप, आ, मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर हम पॉसिबल है सॉल्व करना जो मैंने आप लोगों को चीज बताया मैं बता देता हूँ ठीक है प्रॉब्लम शीट में प्रॉब्लम शीट में कोई डाउट है और क्वेश्चन नंबर सेवन ये भी इसी टाइप का है जो क्वेश्चन नंबर सेवन है पीपी शीट टेन का क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवेन है वो वन है फॉर द इंटरवल माइनस टी माइनस वन माइनस वन माइनस टी टू वन प्लस टी इस रीजन में वन है और बाकी रीजन में जीरो अब जस्ट इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पहले कैलकुलेट कीजिए सपोज हम डेफिनेशन वन यूज कर रहे हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो आ क्या रहा है प्लीज चेक दिस इस टाइप का कुछ आएगा टू टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी इन टू वन सेकेंड टी सॉरी ये आएगा Just check it. इस फंक्शन का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं ओके नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसके मॉड्यूलस का वेरिएशन पूछा गया है तो बताइए इसका जो मॉड्यूलस तो जी ऑफ ओमेगा का मॉड्यूलस इसका मतलब किसका वेरिएशन है ये जो पार्ट है टू टी साइन टी बाई ओमेगा यही तो मॉडुलस होगा ना ये वाला पार्ट तो आर्गूमेंट की तरह बिहेव करेगा ये जो पार्ट है ये कैसे बिहेव करेगा आर्गुमेंट की तरह तो मॉडुलस का मतलब क्या है टू टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी ये भी मॉडुलस है अब बताइए इसका वेरिएशन क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर सेवन में डिफरेंस क्या है इसमें मॉड लिया गया है तो मॉड लेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो, हो जाएगा

और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा टू टी क्वेश्चन वन जैसा ही है ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही तो ऑप्शन ए जैसा ही है ऑप्शन ए में पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड टू टी इज द मैक्सिमम वैल्यू तो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर सेवन एक ही टाइप का है एक माइनर डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर वन में फंक्शन का प्लॉट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेवन में फंक्शन के मॉड्यूलस का प्लॉट पूछा गया है ठीक है आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में सेकंड डेफिनेशन गिवन है तो सेकेंड डेफिनेशन में x के बदले x प्लस टू सेकेंड डेफिनेशन गिवन है प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में जो डेफिनेशन गिवन है वो सेकंड डेफिनेशन है तो प्रॉपर्टी भी सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा ऑप्शन ए करेक्ट है प्रॉपर्टी सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर यूज करना है ऑप्शन ए ही आएगा प्रॉब्लम शीट टेन का क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स इसमें क्या दिक्कत है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फाइव और सिक्स पे भी दिक्कत है डिराक्ट डेल्टा फंक्शन क्वेश्चन में जो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है यह है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ए टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए फर्स्ट डेफिनेशन यूज करने को बोला गया है तो क्वेश्चन में जो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन है उसमें डिराक्ट डेल्टा फंक्शन ये आ जाएगा ठीक है एंड इसके मॉड्यूलस और फेस फैक्टर का वेरिएशन मॉड्यूलस कितना है वन और फेस फैक्टर कितना है ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए फेस फैक्टर कांस्टेंट कहा है ओमेगा का फंक्शन है मॉड्यूलस है वन और जो फेस फैक्टर है फेज फैक्टर है माइनस ओमेगा इन दोनों का ग्राफ बताना है फेस कांस्टेंट कहा है ओमेगा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा डी और इसका आएगा सी स्टेट लाइन का इक्वेशन आएगा ना फेज कांस्टेंट नहीं है फेज ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी

इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है ठीक है अब देखिए अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया माइनस का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया ठीक है तो यहां से हमें जी ऑफ के पता चलेगा जो भी आएगा उसको जी ऑफ के बोल दीजिए तो यह क्या है एफ ऑफ एक्स है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ के ना क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है कॉस टू एक्स तो टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स तो ये फंक्शन क्या इस फॉर्मेट का नहीं है जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में बताया गया था एफ एक्स इंटू कॉस ओमेगा नॉट एक्स और के नॉट एक्स होगा यहां पर तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बताया गया था उसमें यही था ना इफेक्ट इंटू कॉस के नॉट एक्स इसी फॉर्मेट का था ठीक है तो इसका फुड़िया ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी क्या बताया गया था वन बाई टू जी ऑफ के प्लस के नॉट प्लस जी ऑफ माइनस के नॉट यहां से जी ऑफ के कैलकुलेट कर लीजिए फिर वहां से आप ये कैलकुलेट कर लीजिए जी ऑफ के आप देखेंगे आएगा सम कांस्टेंट ए इंटू टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई फोर इसका भी रिजल्ट बताया गया था ना ये गाउशन फंक्शन है फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये बताया गया था टेबल ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म उससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ये ऑफ़ है वहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए के बदले के प्लस के नॉट और K के बदले के माइनस के नॉट के नॉट इज टू यूनिट्स आ जाएगा आंसर ठीक है इसके बाद आई थिंक सॉल्व कर लेंगे अब प्रॉब्लम शीट पे आते हैं दस वन सेकेंड हाँ ये चीज बता देते हैं ये मुझे क्वेश्चन भी किया था इसने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है उसमें जो पेज ट्वेंटी टू आई थिंक मेरे पास ये पुराना बुकलेट है गेट का ही क्वेश्चन है आई थिंक ये गेट टू थाउजेंड सिक्स का पेज ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर थ्री जो है गेट टू थाउजेंड सिक्स सिंस क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है केत फूडियर कंपोनेंट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन ध्यान रखिएगा केथ फूरियर कंपोनेंट का मतलब आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ये जस्ट एक डिफरेंट टेक्निकल टर्म है जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया जाता है के एथ फूरियर कॉम्पोनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इसी का मतलब है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन तो क्वेश्चन में डिराक्ट डेल्टा फंक्शन गिवन है डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप कैलकुलेट करते हैं डिराक डेल्टा एक्स गिवन है अगर आप डेफिनेशन वन या डेफिनेशन टू यूज करते हैं तो वन आ जाएगा और अगर आप डेफिनेशन थ्री या फोर यूज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ जाएगा वन अंडर रूट टू पाई। आंसर आएगा डेफिनेशन थ्री एंड फोर के अकॉर्डिंग सिंस क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं किया गया है और दोनों ऑप्शन में गिवन है तो दोनों ही करेक्ट है दोनों में गलत कुछ नहीं है ठीक है दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है सिंस क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है और दोनों ही ऑप्शन गिवन है तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है सी ऑप्शन भी करेक्ट है अगर कोई डेफिनेशन गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर आंसर बता सकते थे बट इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है ए एज वेल एज सी ठीक है आ, और क्या क्वेश्चन है Let me see it. Just one second. Page seventy. जो पेज सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन है को बता सकता है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है पेज सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर मतलब गेट का क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है उसमें एक इधर उधर है तो पेज सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन है क्या नेट टू ओके ओके हाँ तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी इसमें करेक्ट आंसर बी है अगर आपको बी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था लास्ट क्लास में करवाया था जिसमें कॉस पर बोली कहा था इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा पेज सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर नेट जून टू करेक्ट ऑप्शन इज बी ये ए ऑप्शन दिया गया है वो टाइपिंग मिस्टेक है पेज सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर नेट जून 2016 सिक्सटीन इसका ऑप्शन बी करेक्ट है मेथड मैंने लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी उस वाले पार्ट में इसका ऑप्शन बी करेक्ट है ठीक है आंसर में टाइपिंग मिस्टेक है पेज नंबर सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके बता रहे हैं ये नेट जून टू थाउजेंड फोर्ट डिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है नेट डिसंबर 2015 इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बोला गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ठीक है और आप देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड डेफिनेशन गिवन है तो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है ना तो पहले आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए किस तरीके से जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल टू माइनस दिस अगर आपने पहले सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहा वो काफी लेंदी टेक्निक है पहले सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा लेंदी टेक्निक है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहे और फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर पूछा जाता है तो पहले आप फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए इक्वेशन का ही फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लीजिए तो वाई किसका फंक्शन है y एक्स का फंक्शन है तो सपोज वाई ऑफ एक्स जो है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जी ऑफ के आ रहा है Just assume it. तो y of X का फूरियर ट्रांसफॉर्म है G of K. अब कुछ भी लिख सकते हो के स्पेस में कोई भी नोटेशन तो बताइए डी टू डी एक्स टू का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी y का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा लास्ट क्लास में बताया था आयोटा तो के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी यूज करना है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में सेकेंड डेफिनेशन गिवेन है तो सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी यूज करना है ओके okay? तो माइनस आयोटा के स्कोय जीके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जी ऑफ के एंड राइट हैंड साइड में जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए यह आ जाएगा सेकंड डेफिनेशन जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग है बिकॉज क्वेश्चन में आप देखिए सेकंड डेफिनेशन गिवन है ठीक है यहां से क्या आप जी ऑफ के पता नहीं कर सकते और जी ऑफ के क्या है सॉल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो है जी ऑफ के इक्वल टू क्या चलाएगा देखिए e टू दी पावर आयोटा के ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जी ऑफ के कॉमन जाएगा और जी ऑफ के कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए यही तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म जो क्वेश्चन में पूछा गया था सॉल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यही फूरियर ट्रांसफॉर्म है ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन क्या है वाई ऑफ एक्स जो हमें पता नहीं है लेकिन हम जी ऑफ के डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है ये कहां पे दिख रहा है किस किस ऑप्शन में ये दिख रहा है ये जो जी ऑफ के कैलकुलेट किया है किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है यही हो सकता है अब ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए आप क्या करो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं आसान तरीका जो मैं बता रहा हूं ऑप्शन ए ऑप्शन ए में एफ एक्स क्या है ऑप्शन ए में एफ एक्स है वन अपॉन टू ओमेगा पावर दिस प्लस दिस ऑप्शन ए में एफ ऑफ एक्स मतलब वाई ऑफ एक्स ये गिवन है सॉल्यूशन और जो ऑप्शन बी है उसमें सॉल्यूशन क्या गिवन है वाई ऑफ एक्स वन अपॉन टू ओमेगा टू दी पावर माइनस ओमेगा इंटू मॉड एक्स माइनस ए अब ये जो वाई ऑफ एक्स है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो जी ऑफ क्या आएगा ना ये जो वाई ऑफ एक्स है इसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा जी ऑफ के तो जी ऑफ के आपको पता है ना तो आप चेक कर लीजिए किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ के के साथ मैच कर रहा है इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए और किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो जी ऑफ के है उसके साथ मैच कर रहा है ठीक है अब देखेंगे बी ऑप्शन में जो गिवन है वो मैच कर रहा है और फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का टाइम पे ना ये जो फंक्शन है इसको लिखेंगे कैसे देखिए मोड ऑफ एक्स माइनस ए ये टर्म क्या है ये भी पता रहना चाहिए इसका वैल्यू प्लस एक्स माइनस ए होता है इफ एक्स माइनस ए इज पॉजिटिव और माइनस ए पॉजिटिव होने का मतलब है x का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए और इसका वैल्यू माइनस ऑफ x- माइनस ए होता है जैसे मॉड फंक्शन लिखते हैं वैसे ही है इफ x- माइनस ए इज नेगेटिव तो x- माइनस ए कब नेगेटिव होगा वेन x इज लेस देन ए ठीक है तो ये जो फंक्शन है जो ऑप्शन बी में है मैं उसके बता देता हूं जब आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहें आप प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं तो आप देखिए सेकेंड फंक्शन को हम लिख सकते हैं वन बाई टू ओमेगा टू पावर माइनस ओमेगा और मोड के बदले हम प्लस एक्स माइनस ए लिखेंगे कब वेन एक्स इज ग्रेटर देन ए and function is equal to minus minus plus हो जाएगा when x is less than a maybe बी इस क्वेश्चन में आपको इसका जरूरत ना पड़े because इस function का fourier transform क्या होगा यह property से भी बता सकते हैं property use करके shifting property इसको सोल्व करने के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कीजिए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आंसर पता चल जाएगा लेकिन मे बी फिजिक्स में कहीं पे और अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम ऐसे लिखते हैं ये काफी कॉमन है क्वांटम में भी आएगा ठीक है तो मेथड क्लियर है एवरी ठीक है तो पहले हमने क्या किया तो रिपीट कर देता हूं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया और वहां से क्या पता चल गया जी ऑफ के ठीक है अब जी ऑफ के जो है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वाई ऑफ एक्स आएगा तो जी ऑफ के क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एक्स इसका अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वाई ऑफ एक्स मिलेगा अगर कैलकुलेट करके देखेंगे इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना थोड़ा प्रोसेस है आसान तरीका क्या है ऑप्शन ए और बी में जो वाई ऑफ एक्स है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए और देखिए किसके साथ तो कौन सा जी ऑफ के साथ मैच कर रहा है ऑप्शन ए में फूरियर ट्रांसफॉर्म मैच करेगा या ऑप्शन बी का फूरियर ट्रांसफॉर्म मैच करेगा अब देखेंगे ऑप्शन बी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो जी ऑफ के के साथ मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट पेज सेवेंटी थ्री दस वन सेकेंड सेवेंटी टू थ्री पेज सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है ये हम लैपलास ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे पेज 73 क्वेश्चन नंबर थ्री टी एफ आर टू ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है और किसी ने कुछ सेवेंटी सेवेंटी सिक्स का सिक्स सेवेंटी फोर अ uh, 76 का जो सिक्स क्वेश्चन है एक बार ग्रुप में भेज सकते हैं बिकॉज आई थिंक ये कोई लेटेस्ट uh, ईयर का क्वेश्चन है इसमें मेरे पास है नहीं जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था 76 का क्वेश्चन नंबर 76 पेज का क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बार ग्रुप में सेंड करेंगे हाँ uh, पेज 76 क्वेश्चन नंबर सिक्स इसके आई थिंक मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है कि आप ऐसे समझ सकते हैं देखिए एजेस्ट का इस बार का क्वेश्चन है पेज 76 क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन क्या है एफ ऑफ टी इज अ रियल इवन फंक्शन ऑफ टी जो एफ ऑफ टी है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे ये एक रियल फंक्शन रियल एंड इवन फंक्शन है ठीक है अब इसमें रियल इवेंट फंक्शन की जो बात है इसके बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था रिगॉशन फंक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स तो जो रियल इवेंट फंक्शन है इसका अगर आप फूडियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें वो भी एक रियल इवेंट फंक्शन ही होता है जो जी ऑफ ओमेगा आएगा ये भी क्या होगा एक रियल इवन फंक्शन किसका ओमेगा का तो एफ ऑफ टी अगर एक रियल इवन फंक्शन है तो उसका जो फूडियर ट्रांसफॉर्म है वो भी एक रियल इवन फंक्शन ही होता है ठीक है इसका जो थ्योरिटिकल प्रूफ है वो भी मेरे पास है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ठीक है मगर जस्ट का जब क्वेश्चन आया था तब ये चैलेंज किया गया था इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो इसका थ्योरिटिकल प्रूफ मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये रियल इवेंट फंक्शन का रियल इवेंट फंक्शन कैसे है ठीक है तो इसमें देखिए अगर ये रियल फंक्शन है जी ऑफ ओमेगा इसको क्या बोला गया है कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा तो इसी को ऑप्शंस में कैपिटल एफ बोला गया है अगर ये रियल फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम आएगा अगर ये रियल फंक्शन है तो इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें तो ये सेम आएगा ठीक है एंड ये इवन फंक्शन भी तो है ना ये एफ ऑफ ओमेगा इवन फंक्शन भी है इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है एफ ऑफ माइनस ओमेगा इक्वल टू एफ ओमेगा ये रियल फंक्शन है इसीलिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम आएगा बिकॉज इट इज ए रियल फंक्शन एफ ऑफ माइनस ओमेगा एफ ओमेगा क्यों होगा बिकॉज ये इवेन फंक्शन है इवेन फंक्शन में क्या होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है एंड अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं अब देखिए इन दोनों रिलेशन में राइट हैंड साइड तो सेम है ना तो राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप इक्वेट करते हैं एफ स्टार ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ओमेगा ये भी करेक्ट है अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगा तो इसके तीन ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन भी करेक्ट है सी ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है ये ओरिजिनल मतलब ऑप्शन ही ऐसे ही थे इसमें तीन ऑप्शंस करेक्ट बैठ रहे हैं ठीक है ये कैसे आता है ये मैं आप लोगों को ग्रुप में अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा ये रियल इवेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म रियल इवेंट कैसे है ये मैं अभी सेंड कर दूंगा इसके बाद ये पार्ट क्लियर है ना रियल होगा तो एपस्टार एफ होगा इवेंट होगा तो सेकेंड कंडीशन है और फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो ये थर्ड कंडीशन भी आ जाएगा तो डी तीनों करेक्ट है इसमें अप्रोप्रिएट कुछ भी नहीं है ये तीनों ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है अगर ऐसा मोर देन वन ऑप्शन आता है तो उस क्वेश्चन को जरूर आप कोई एक ऑप्शन को आप जरूर टिक करके आइए एग्जाम में जैसे अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो किसी एक को टिक करना जरूरी है जनरली मतलब तो जो अटेम्प्ट करता है उन्हीं को मार्क्स मिलता है नॉर्मली ठीक है बट ऐसे जब ऑप्शन रहते हैं ना ये तीन ऑप्शन करेक्ट है इधर क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है या मार्क्स सबको मिल जाते हैं बट अगर ऐसा आता है किसी एक ऑप्शन को तो टिक जरूर कर दीजिए फॉर सेफ साइड ठीक है अप्रोप्रिएट आंसर तीनों है ऐसा नहीं है कोई अप्रोक्सीमेट या कुछ है तीनों एग्जैक्टली exactly करेक्ट है कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है ठीक है और कोई क्वेश्चन इधर क्वेश्चन कैंसिल होगा या मार्क्स टू ऑल कोई एक होगा कौन से क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं पेज नंबर सेवेंटी टू ओके जस्ट वन सेकेंड पेज क्वेश्चन नंबर एट ये भी तेरा तो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं ये भी मैं आई थिंक लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है मेरे पास है नहीं ग्रुप में एक बार सेंड कर दीजिए मैं देख कर बता दूंगा किसका है ओके okay. ये पेज सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर एट ये फोरियर का क्वेश्चन है ही नहीं जिन्होंने क्वेश्चन इसमें डाला है उनको समझ में नहीं आया ये डिराक डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन है ठीक है पेज सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर एट जो है जो गेट का क्वेश्चन है आई थिंक ये डिराक्ट डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन है तो डिराक डेल्टा फंक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है ये फूडियर लैप्लास का क्वेश्चन है नहीं डिराक डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन है सो so, और कोई क्वेश्चन है पेज नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें डेफिनेशन टू है तो डेफिनेशन टू है तो ऑप्शन बी आएगा उसमें कॉमन रेशियो नेगेटिव है चेक कीजिए किसी ने ग्रुप में सेंड किया है कॉमन रेशियो नेगेटिव है इनफाइनेट जीपी सीरीज का सम क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर आर यहां पे नेगेटिव है तो प्लस साइन आ जाएगा पेज नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें बेसिकली एक इंफाइनेट जीपी सीरीज आएगा और इनफाइनेट मतलब इस फॉर्मेट का आएगा वन प्लस माइनस आयोटा के माइनस आयोटा के होल स्क्वायर एंड सो ऑन ये एक इन्फाइनेट जीपी सीरीज है तो ए अपॉन वन माइनस आर तो ए वन है वन माइनस आर आर इज नेगेटिव हि किया जाएगा वन अपॉन वन प्लस आयोटा की ठीक है एनी अदर डाउट्स ठीक है, जस्ट सेकंड पेज सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर फोर ये तो गाउसन फंक्शन है पेज सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर फोर गेट टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन है ये तो गाउसन फंक्शन है गाउसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो बताया गया था ना फर्स्ट लेक्चर में फूरियर ट्रांसफॉर्म के तो पेज सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर फोर गाउस फंक्शन है गाउसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है बताया गया था वो रिजल्ट यूज कीजिए पेज सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर ये फूरियर सीरीज में के लेक्चर में बताया गया था चेक कीजिए इसमें ऑप्शंस रॉन्ग हैं ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था फूरियर सीरीज का जो डाउट क्लास था फूरियर सीरीज का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने पेज 73 क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक टीएफआर 2017 के बारे में आप पूछ रहे हैं ये डिस्कस किया था पेज 73 क्वेश्चन नंबर 4 फूरियर सीरीज का लास्ट लेक्चर उसमें है और कोई क्वेश्चन

और कोई क्वेश्चन है सर हाँ बताइए हाँ सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में डीपीपी के अंदर डीपीपी टेन में और उसमें तो वो लिमिट का वैल्यू है ना जो हमारा टू टू टी आर है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के लिमिट का वैल्यू है हाँ बेसिकल जो इंटरवल का वेट है वही है जो इंटरवल का वेट है वही है माइनस टी टू प्लस टी था ना वही हाँ, है सर पेज नंबर सेवेंटी टू पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कराया था ना आपने नेट का सेवेंटी गेट टू जीरो वन नाइन का हाँ पेज नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वो सर उस पेज पे मूव करेंगे सर सर ए साइंस को एल एक्स वाला क्वेश्चन था

इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया तो इस टाइप के तीन टर्म बन रही है अब इन दोनों क्या इन दोनों का जो फॉर्म है इसको k बराबर टू पे मत कंपेयर कीजिए इसको जनरली कंपेयर कीजिए इन दोनों फॉर्म को तो फर्स्ट फॉर्म तो e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन बता रहा है हाँ तो इसमें के जीरो है ना हाँ सर तो इसलिए इसका पीक कहाँ पे आया है एक बोलते पे यहाँ पे के का वैल्यू कितना है सेकंड एक्सपोनेंशियल के लिए u है भी कहां आया है 2a यहां पर तो 1 की पावर 1 की पावर के एक ही आएगा वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो मतलब कांस्टेंट कंपोनेंट आएगा तो वो देखना ही पड़ेगा वैल्यू आपको हाँ। पीरियोडिक फंक्शन के लिए ऑलवेज ट्रू है सर वो डी के क्वेश्चन ट्वेंटी टू में सब मतलब सर एक ऐसा कंफ्यूजन था कि मतलब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में आ, कभी कभी ऐसा आता है कि मतलब हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में तो जब लिमिट पुट करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी टू जीरो तो हम लोग मतलब प्रिफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि मतलब अगर माइनस कॉमन लेते तो जीरो और वन आएगा जीरो माइनस वन आ जाएगा लिमिट डालते हैं तो. तब

सर कौन सा वाला क्वेश्चन ट्वेंटी टू ना हाँ तो आप मोड एक्स को पहले आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हाँ हाँ फिर वहां पे आएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्लस वन इन एक्स देन उसके बाद क्या दिक्कत है हाँ सर वो वैसा है तो उसको फिर हम लोग फिर, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे ना मतलब जीरो टू तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू तो जीरो में

माइनस ऑफ़ के उसमें हम लोग चाहे तो मतलब उसको दो तरीके से लिख सकते जब इंटीग्रेशन करते थो. नीचे मतलब पावर प्लस वन इंटू एक्स या फिर ई पावर माइनस ऑफ आई के माइनस वन उस तरह मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग उसको सेम टर्म को बात तो एक ही है वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके प्रोडक्ट ही तो करेंगे हम

सर आपने पेज नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर थ्री कराया था ना ये फ़ायर डिसेंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन का हम्म hmm. उस वाली साइड पे मूव करने क्या उस वाली साइड पे मूव करना चाहिए सर इसमें वन मिनट सर नेक्स्ट फाइव माइनस तो तो नहीं ये 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 क्या कॉमन तो लेके लिखा है मैंने ना सेम ही तो है ये डिफरेंशियल ये का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या बहुत लेंदी टेक्निक है इसलिए तो मैं दूसरे टेक्निक में जा रहा हूँ बहुत लेंदी टेक्निक है तो okay. so, ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं थैंक यू वेरी मच एवरीवन थैंक यू सर